हजारीबाग पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। एसपी मनोज रत्न चौथे की मॉनिटरिंग टीम के पिछले एक सप्ताह से जारी ऑपरेशन के दौरान टीपीसी का रीजनल कमांडर दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि इसके साथ एक और टीपीसी उग्रवादी संगठन का सक्रिय सदस्य बबलू रविदास की भी गिरफ्तारी हुई है। यह जानकारी प्रेस वार्ता कर पुलिस ने दी है। बताया जाता है कि वह 15 लाख का इनामी है। इस संबंध में बताया गया कि इसके गिरफ्तारी के बाद उसके दास्ता के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। साथ ही उसकी निशानदेही पर कई ठिकानों पर अलग अलग पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उपरोक्त उग्रवादी पाकुड़ शिकारी पड़ा होते हुए स्विफ्ट टीएम स्कॉर्पियो से तारापीठ जा रहे थे, इसकी सूचना मिली थी। इसी क्रम में गठित टीम के द्वारा इसके चालक एवं तीन अन्य सदस्यों को पकड़ लिया गया है। हजारीबाग ब्यूरो रिपोर्ट। ये भी इनामी है, इनके ऊपर भी इनाम की घोषणा के लिए प्रस्ताव ऑलरेडी पुलिस मुख्यालय द्वारा भेजा गया है और इनके गिरफ्तारी से मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो घटनाएं टीपीसी जो हमारा रांची, चतरा, रामगढ़ और हजारीबाग का क्वाड्रा जंक्शन था, वहाँ पर इनके घटनाओं पर निश्चित रूप से रोक लगेगी। इनके द्वारा टीपीसी के संगठन को जो पुनरुज्जीवित करने का काम किया जा रहा था, उस काम पे कहीं ना कहीं रोक लगेगी और जो घटनाएं पिछले एक साल डेढ़ साल में इन चारों जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में हुई थी, उन सभी घटनाओं का इसके गिरफ्तारी से निश्चित रूप से उद्भेदन हो जाएगा। साथ ही इनके स्वीकारोक्ति बयान में इनके संगठन के और भी कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे और ये जो संगठन है हजारीबाग और ये जो हमारा क्वाड्रा जंक्शन है वहाँ से समूल इसका उच्चाटन हो जाए, इसको हम लोग यहाँ से खत्म कर दें, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। www.khabar24newstv.com